हैं ghamasan.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुकी। और आज भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है। तो हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन राठौर जी से ये कि उनके इस बारे में क्या विचार है। भारत के लिए आज वाकई में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। आतंकवादी तो वो पहले ही था, लेकिन अब उसे ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के साथ ही भारत को एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय मिली है। और अब इसका नतीजा ये होगा कि मसूद अजहर विश्व के किसी भी देश में नहीं जा पाएगा, वह अपने पास हथियार नहीं रख पाएगा, इसके अलावा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और कुल मिलाकर यह पूरा कदम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन अभी तक इस मामले को रोके हुए था और हर बार वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित होने से रोक देता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को कूटनीतिक स्तर पर इतनी बड़ी सफलता मिली है और मसूद अजहर की अब नाकेबंदी करना भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसके पर काट दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलवामा हमले का जो हीरो है वो मसूद अजहर रहा है। और भारत के लिए आज ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय का दिन है। और इसके लिए निश्चित रूप से भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को बधाई दी जानी चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।